गर्ल नेशन भी बैठी हुई है, इन सभी लोगों को देखकर चलना है। एक गीत इस समय बहुत चर्चित है, हालांकि ऐसी कटपीस मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन जनता को देखकर गाना पड़ता है, मजबूरी है। आइए, तर्ज कहती है क्या? संजय भैया, दो ही लोग तो थे जो सब कुछ देखते हैं, और दोनों संजय नाम के। तर्ज कहती है, क्या कहती है? आई जब से गए हैं मोरे पिया परदेश में, कोमल लगा है। अब इससे हमें मतलब नहीं है कौन किसको सैया बना रहा है, लेकिन हम लोग को तर्ज का सहारा लेना पड़ता ही, हमारे आगे मजबूरी है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मर्ज आप सुने, समझते रहिए भैया। भैया जी, भैया जी, जिस समय आदरणीय बड़े भैया, जिस समय भगवान कन्हैया लाल का जन्म हुआ मामा के कारागार में, देवकी मैया ने देखा अपने स्वामी से, कहने लगे कि स्वामी, मेरे इतने लाल मारे गए हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ मेरे इस लाल को आप बचा लें। और जब ऐसा कहा तो देखिए मैया कह रही हैं, और कह क्या रही हैं सुनेगा, कहने लगी, अरे बदलाव आए जो जीवन के खेल में, व्यवस्था है, अगर आवाज सुन रहे हो तो हमारे लालमन भैया के पास चाय पहुंचा दें। अच्छा, जल्दी से, ये चक्र खत्म होने वाला है, तब तक वहां तक चाय पहुंच जाए। अब आइए देखिए, देवकी मैया अपने स्वामी से कहने लगी क्या? कि स्वामी, एक निवेदन करती हूँ, आप सोचिए, हम लोगों की बारात लौट कर जा रही थी, भाई मेरा विदा कर रहा था, लेकिन वो कैसा समय था, आज कहाँ है हम लोग, इसलिए निवेदन कर रही हूँ। कटपीस को सुने आप, गिरजा भैया कहने लगे, आदरणीय लालमन भैया जी कहने लगे, अरे बदलाव आया जो जीवन के खेल में, और हे स्वामी,
लालन सुरक्षित नहीं आपे तो ये जेल में। और क्या? हो अपने ठाकुर जी को स्वामी बचा लीजिए, और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े स्वामी, तो कहने लगी अपने ठाकुर जी को स्वामी बचा लीजिए। अरे उनको यादव जी भले ही बना दीजिए। यहाँ पर ठाकुर जी आप पहुंच जाएंगे तो यादव जी हो जाएंगे, ये करिश्मा दिखा दीजिए, तो अपने ठाकुर जी को स्वामी बचा लीजिए, उनको यादव जी भले ही बना दीजिए। तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए कन्हैया लाल की जय। श्री बाकी भी हेलो 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 बहुत बढ़िया चक रहा है आदरणीय रिंकी जी का, बहुत बढ़िया लाजवाब। और जब से गए मोरे पिया परदेश मां, रिंकी जी थोड़ा आपने तर्क दिया था। अच्छा एक बात बताओ हमको, लोग राम राम करते हैं, राम 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 लोग चरण स्पर्श करते हैं, अंगूठा क्यों नहीं स्पर्श कहते हैं? पाए लागी, पाए लागी कहेगा आज, कहां अंगूठा कहां है, तब तो बात बने। जबरदस्ती हमको आजकल बलगला ज्यादा रही हो क्या? होश में काम करो, होश में काम करो। ना ना उम्र खत्म। जब से गए मोरे पिया परदेश में, तब से मैं रहती हूँ बदीनी के भेष में। अपने को बचा लीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए, यादव जी को सैया। बढ़िया सवाल आया है, आजकल गुरु गाना बहुत बढ़िया बढ़िया लिख रहे हैं। कहीं नहीं है। अच्छा इस कट पीस को जिसने लिखा है उसको खड़ा करो अपने मंडल में, और उसको हम 50 रुपए देना चाहते हैं।
हाथ उठा के बता दे कि हमने लिखा है उसको हम 50 देंगे। उसमें गुरु एक जीरो और बढ़ा दीजिए। चलो बढ़ा दिया। लिखने वाले को ये नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ लिख रहे हैं। देख लीजिए साहब, कट पीस आया है। कौन सा गुरु? ये बदलाव आया जो जीवन के खेल में, और लालन सुरक्षित नहीं अब तो जेल। कुछ करिए यतन आज मेरे सजन, ये करिश्मा दिखा दीजिए, अपने ठाकुर जी को स्वामी बचा लीजिए, और इनको यादव जी चाहे बना दीजिए। है का को ना जुगाड़, हम अपन जात बदलना चाहते। अगर कोनो जुगाड़ हो गुरु बताओ यार, नौकरी वोकरी तो मिले। आधार आधार कार्ड सही करा दे। पहले ठाकुर जी को बचा लीजिए, आए के बाद यादव जी बना लीजिए। बढ़िया है। चूंकि कशिश का चैनल चल रहा है, अब हम तुमको आज ऐसा जवाब देंगे तुमने सोचा नहीं होगा। अब बहुत अच्छा जवाब गाने का, और बहुत अच्छा जवाब आपने कटपीस का दिया है। लेकिन रिंकी, थोड़ी हमारी बात आपको खराब लगी होगी। मैंने जो आपको तर्क दिया था, कौन सा गुरु? कि माता गंगा ने क्या दिया संत रविदास को, तो आपने कहा किताबें बहुत है, बहुत किताबों में कुछ मिलता है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रविदास रामायण की बात कर रहा हूं। अरे वो कुछ नहीं था, कहो तो बता दे। वो हल्दी की गांठ थी जो दी है माता गंगा ने। अब कहीं कुछ पड़ा कहीं कुछ पड़ा, लेकिन मामला जहां है वहीं रहने दो। अब जवाब आनंद जो देता है वो आनंद कर दे, ओ कल कल में विचरता वही स्वच्छंद है। छत्तीस राग रागिनी मुरली में बल दे, तो मुझको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। जब पसंद आ गई, देखो भैया चाय चाय कहां से हुई रहा है। अरे भैया गाली ना देना जग्गा भैया, तुम्हारे काम बढ़िया चल रहा है, बस ठीक है, संतोष परम। अरे ठीक है बच्चा है वो भी। जब राधा की शादी, आपने कहा अपने ठाकुर को बचा लीजिए, इनको यादव जी बना लीजिए, तो राधा की शादी भांडीर वन में भगवान ब्रह्मा के सामने हुई, और किसी के साथ नहीं हुई। तो बात मैं कह रहा हूं, और कन्हैया ने कहा, बाद में कन्हैया ने कहा, अरे माना पुरानी हमारी पहचान है। ईमानदारी से कटपीस के जवाब में मजा आ जाए तो बस आशीर्वाद देना। संजय भैया जवाब में मजा आ जाएगा, इनके इनके सवाल से भारी हो जाएगा जवाब मेरा। इन्होंने कहा ठाकुर जी को बचा लीजिए, यादव जी बना लीजिए, तो कन्हैया ने
भगवान कन्हैया ने कहा राधा तुम पत्नी तो हमारी हो लेकिन इस लीला को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? अरमाना पुराने हमारी पहचान है अब मैं तेरा स्वामी हूं तू मेरी जान। अगर मजा आ जाए तो बताना। भगवान कन्हैया ने कहा लीला स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? और माना पुराने हमारी पहचान है और मैं तेरा स्वामी हूं तू मेरी जान है। अरे मानो मेरे बचन, अरे मानो मेरे बचन, ओ हाय मेरा कथन राधा। अरे मानो मेरे बचन हाय मेरा कथन और एक काम ऐसे चला लीजिए अपने ठाकुर जी को दिल से भुला दीजिए। और राधा की शादी जानते हो किससे हुई? मालूम है? नहीं मालूम है? तुमको नहीं मालूम, तुम्हारे पूरे मंडल को नहीं मालूम, हमें मालूम है ना क्वालिटी क्या है। भगवान कन्हैया की शादी वांडेलवन में हुई लेकिन राधा की शादी रेयाण बैस से हुई। राधा की शादी रेयाण बैस से हुई और जबकि पहले शादी अपने कन्हैया से हुई और जबकि कन्हैया छोटे थे और राधा बड़ी थी और गोद में लेके भावरे फूली गई। जवाब लाता हूँ तो तरीके से, जवाबी तरीके से गाता हूँ। अब हम बाई से गोली नहीं है, अभी बुढ़ापा में बुढ़ापा में काम छोड़ दी ने, लेकिन नट कितना बुढ़ा हो जाए कला नहीं बोलता है भले वो बांस ढो रहा हो। हारमोनियम का माइक नहीं बोला तो नहीं बोला, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, तुम जितने में काम चल रहा है चलने दो। कह दिया मानो मेरे बचन ओ हाय मेरा कथन और काम ऐसे चला लीजिए अपने ठाकुर जी को दिल से भुला दीजिए जाके बैस जी से शादी लगा लीजिए। गीत के कटपीच के जवाब में था कि ठाकुर जी को दिल से भुला दीजिए और जाके बैस जी से शादी रचा लीजिए।